क्या बनाया बेटा? मैम जैसे कि कहते हैं पहले के टाइम पे जो जितने भी व्हीकल्स होते थे वो सब फॉसिल फ्यूल से चलते थे, जैसे कि कोल, पेट्रोल, डीजल। तो मैम कहते जो फॉसिल फ्यूल्स है वो लिमिटेड क्वांटिटी में, लिमिटेड क्वांटिटी में नहीं है। अगर वो उसका हम लोग लगातार इस्तेमाल करते जाएंगे, एक टाइम आएगा जिससे कि वो खत्म हो जाएगा, और ख़त्म हो जाएगा तो हमारी फ्यूचर जनरेशन नहीं यूज़ कर पाएगी। और मैम इसे बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग रहे हैं, तो इसे हमें कंजर्व करना पड़ेगा तभी हमारी जनरेशन यूज़ कर पाएगी। तो हम इसी को बचाने के लिए हम लोगों ने कई चीज़ें बनाई, जैसे कि सबसे आता है उसके बाद सी एन जी व्हीकल्स मैम उतने पॉपुलर नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ कहते उसमें लीकेजेस हो जाती है, ब्लास्ट हो जाते हैं, और जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर नहीं चल पाती सी एन जी व्हीकल्स, वो प्लेन इलाकों में सी एन जी व्हीकल्स चलते हैं। फिर आता है मैम हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, और इलेक्ट्रिसिटी हमें वाटर और कोल और भी कई साधनों से मिलती है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी इन सब चीज़ों से बनाएंगे तो इन सब वाटर और कोल का भी जो डिप्लेशन हो रहा है, तो इसको बचाने के लिए मैम मैंने जो सोलर एनर्जी उससे कहते हैं उससे गाड़ियाँ चलाई है। अच्छा, मैंने सोलर व्हीकल्स बनाया है जो कि मैम ये कहते हैं सोलर ही चार्ज होंगे और बैटरी को चार्ज करेंगे। इसमें एक इंडिकेटर लगाया, जैसे कि मैम फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पर सन नहीं है तो मैंने टॉर्च का इस्तेमाल किया है, तो जैसे सन की रेज इसमें पास आएंगी तो ये लाइट ग्लो करना चालू होगा, जिससे इंडिकेट करेगा कि ये चार्ज हो रहा है कि नहीं। अच्छा, तो इसको ये चार्ज करता रहेगा और फिर बाद में ऐसे चलेगा। बाय चांस जैसे कि ठंड के मतलब कि अच्छे तरीके से चार्ज नहीं हो पाता, कम धूप रहती है अच्छे तरीके से चार्ज नहीं हो पाता, तो हम लोग इसे चार्जिंग स्टेशन जहाँ पे चार्ज होती है बाकी गाड़ियाँ वहाँ पे हम लोग इसे जाके चार्ज कर सकते हैं। जहाँ कि मैंने इसमें एक जैसे कि इसमें एक सॉकेट लगाया है जिससे कि मैं इसे इलेक्ट्रिकली भी चार्ज कर सकता हूँ। यहाँ पे इसमें भी है, अगर अच्छे से सोलर से चार्ज नहीं हो पाई तो ये इलेक्ट्रिकली भी चार्ज हो सकती है। मैम फिर इसके बाद एक टॉपिक आता है हमारा कि ये जो सोलर व्हीकल्स है वो काफ़ी कॉस्टली होंगे, बट इसका आंसर है हाँ, लेकिन क्या कहते हैं ये वन टाइम कॉस्ट है। अगर हम लोग जैसे सोलर के व्हीकल्स ले रहे हैं तो इससे हमारा वन टाइम कॉस्ट है। ये अगर कोई सोलर पैनल उसकी वारंटी 25-30 ईयर्स तक तो रहती है, और जो नॉर्मल बैटरी होती है उसकी वारंटी 5 ईयर्स, बट जो सोलर पैनल की बैटरी होती है उसकी वारंटी 10-12 ईयर्स रहती है। तो अगर हम इसे लगा दे रहे हैं तो वो वन टाइम कॉस्ट है, ये कुछ सालों तक चलेगा, फिर बाद में बैटरी रिन्यू करके हम लोग कहते और अच्छे चला सकते हैं। तो इससे क्या होगा मैम कहते हैं इससे हमारा भले ही कॉस्टली है तो पोल्यूशन नहीं हो रहा है, ओजोन लेयर में डिप्लेशन नहीं हो रही है, और हमारा जो कॉस्ट हो रही है फॉसिल फ्यूल्स बच रहे हैं, हमारी फ्यूचर जनरेशन इस्तेमाल कर पाए, उसी को ध्यान रखते हैं मैंने ये छोटा सा मॉडल बहुत अच्छा।